हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीम इंडिया इस टाइम पर तो इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेल रही है, जो कि टीम इंडिया के लिए भी बेहद ही बड़ी और गर्व की बात है, क्योंकि टीम इंडिया ने दोस्तों इस सीरीज में कारनामा ही कुछ ऐसा करके दिखाया है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों आने वाले T20 वर्ल्ड कप की, तो इसको लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, T20 वर्ल्ड कप के लिए सुनील गावस्कर ने चुनी है अपनी 15 सदस्यीय भारतीय टीम। ये दो बड़े खिलाड़ी नहीं हुए हैं शामिल। भारत के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने अगले महीने से UAE में शुरू होने वाली ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय भारतीय टीम चुन ली है। भारत के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने इस 15 सदस्यीय खिलाड़ियों में कुछ ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है और कुछ ऐसे खिलाड़ियों को बाहर किया है, जिसे मैं आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, सुनील गावस्कर ने अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान करते हुए सबको चौंका दिया। दोस्तों, सुनील गावस्कर ने जो टीम चुनी है वो रियल में काफी हैरान करने वाली है। पिछले दो बार से IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन को गावस्कर ने अपनी टीम में जगह नहीं दी। शिखर ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ हुई वनडे और T20 सीरीज में भी शानदार बल्लेबाजी की थी, पर वह इस शानदार प्रदर्शन से भी गावस्कर को खुश नहीं कर पाए। गावस्कर ने इस T20 वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा के साथ कप्तान विराट कोहली को ओपनर के तौर पर रखा है। वहीं उन्होंने KL राहुल को बैकअप ओपनर के तौर पर टीम में शामिल किया है। वहीं मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज और इस साल T20 और वनडे में शानदार डेब्यू करने वाले सूर्य कुमार यादव को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए रखा है। शिखर धवन के अलावा गावस्कर ने एक और फैसले से सबको चौंका दिया। दरअसल चोट के कारण पिछले कुछ समय से टीम से बाहर रहे भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को भी उन्होंने अपनी टीम में जगह नहीं दी। गावस्कर ने अपनी टीम में 6 स्पेशलिस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर को सीमर के रूप में और युजवेंद्र चहर बतौर स्पिनर टीम में शामिल हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए जो सुनील गावस्कर ने 15 सदस्यीय टीम चुनी है, उसके बारे में अब मैं आपको बताया। इस टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली जो कि कप्तान है, KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत जो कि विकेट कीपर होंगे, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर और युजवेंद्र चहल शामिल हैं। तो इस तरह से दोस्तों अभी हाल ही में गावस्कर ने अपनी प्लेइंग 11 चुनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्क्वाड अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।